Students, today we are going to study the multivariate regression analysis using SPSS and R. When we will use the multivariate regression analysis, so we have the one independent and one dependent variable, we will use the simple linear regression. We have the one dependent and more than one independent variable, we will use the multiple linear regression. So when we have the two and more than two dependent variable, and one and more than one independent variable, then we will use the multivariate regression analysis. So here, the multivariate regression analysis using SP, SS, and R, hum dono method se check multivariate regression analysis use Here is the numerical example of multivariate regression analysis.

एंड द एक्सट्राक्यूल एक्टिविटीज और उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कितनी डेटा कोलेक्ट किया है एंड मल्टीवेड रिग्रेशन मॉडल क्यों मल्टीवेरियड रिग्रेशन मॉडल किया हमने सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्यों नहीं यूज किया बिकॉज हेयर वी है to predict students final grade in these two subjects humne kya predict karna student ke final grades in these two subjects based on their study hours and the extracurricular activities here is the data so we have total 20 students this is the total 20 students kya hai aapke study hours extracurricular activities maths ke marks and the साइंस मार्क्स बेसिकली ग्रेड जो है हमने उसको मार्क्स है उनके फर्दर अब आपके पास डेटा की टाइप तो आपके पास हो गई क्योंकि टू डिपेंडेंट है और आपके पास टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं टू परफॉर्म मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस अब कैसे हम उसको परफॉर्म करेंगे स्पेसिफाई सबसे पहले आपने डिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाई करनी है

डिपेंडेंट वेरिएबल वो हमने स्पेसिफाई कर लिया देन ऑप्टेन दी रिग्रेशन कोफिशेंट पी वैल्यू माइर ऑफ मॉडल फेड एग्जाम्पल आर्ट स्क्यर एंड दी एडजस्टेड आर्ट स्क्यर अब हम फाइंड करके फाइनली स्टेप थ्री में हमने इंटरप्रेट कर लिया पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम कोई टेस्टिंग नहीं करें हम मॉडल फिटिंग कर रहे हैं ओके okay स्टूडेंट अब ये जो डेटा है ये डेटा मैं एस पी एस एस में लेके जा रही हूँ दिस इज दी डेटा इन एस पी एस एस आपके पास क्या था हेयर इज दूडेंट स्टडी आर्ट्स एक्स्ट्रा कल्यूकुलर एक्टिविटीज मैथ एंड साइंस ठीक है डेटा व्यू में हमारे पास डेटा शो हो गया है वेरेबल व्यू में आपके पास स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट आई डी है वो भी नुमैरिक है स्टूडेंट आर्ट्स नुमैरिक एक्स्ट्रा कॉलुकर एक्टिविटीज नुमैरिक मैथ एंड साइंस हमारे पास नुमैरिक टाइप है अगर आपके उसमें डेसिमल ओपन करना है तो आप डेसिमल ओपन कर सकते हैं बट पर्टिकुलर में हमारे पास एग्जाम्पल में डेसीमल नहीं है ओके okay, कैसे हमने परफॉर्म करना था गो टू दी एनालाइज देन जनरल इनियन मॉडल एंड गो टू दी मल्टीवेरिएट चेक दी एनालाइज जनरल इनियन मॉडल एंड मल्टीवेरिएट ओके देन आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से थे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जी मैथ्स एंड साइंस वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में हो गए इनडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी आर्ट्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ये मैं कहाँ लेके गई हूँ को वेरिएट्स में आपने ये चेक कर लें डिपेंडेंट वेरिएबल में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मैथ एंड साइंस एंटर किए हैं और इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास थे उसको मैंने को वेरिएट्स में एंटर किया हैं देन गो टू दी मॉडल मॉडल को हमने टच नहीं करना देन ऑप्शन ऑप्शन में आपके पास कौन सी है हमने पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं ठीक है लुक एट दिस हेयर इज द ऑप्शन पैरामीटर एस्टिमेट पैरामीटर एस्टिमेट हो रहा है सिग्निफिकेंस लेवल जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल नाइंटी फाइव परसेंट है क्लिक कंटिन्यू एंड ओके ट दिस दीज आर दैरामीटर्स एस्टिमेट्स आ गए हैं डिपेंडेंट वेरियबल कौन से मैथ्स एंड साइंस बी कोफिशेंट उनके कोफिशेंट आपके पास आ रहे हैं एंड टी स्टेटेस्टिक्स स्टैंडर्ड एरर एंड द सिग्निफिकेंस लेवल सिग्निफिकेंस वैल्यू और उनका 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास आ गया अब यहां से आप मॉडल बनाओ मैथ्स के लिए आपके पास मॉडल क्या आ गया मॉडल वाई बी कोफिशेंट एंड दीज आर दी स्टैंडर्ड आर अब बी कोफिशेंट में आपके पास क्या हो गया मॉडल इंटरसेप्ट 63.503 प्लस स्टडी आर्स 4.032 पॉइंटी आर्स को आपने एक्स वन कह दिया है एंड द्वार थ्री आपके पास है एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज मल्टीप्लाई बाय एक्स टू एक्स टू हमारे पास क्या है एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज ठीक है यहां से हमारे पास मैथ के लिए मॉडल जनरेट हो गया देन साइंस के लिए हमारे पास मॉडल जनरेटर हो रहा है कांस्टेंट 63.650 प्लस 2.105 स्टडी आवर्स x1 एंड प्लस 2.037 मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा को एक्टिविटीज एंड हियर इज द r स्क्वायर r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 0.943 एंड द r स्क्वायर दिस इज फॉर मैथ्स एंड दिस इज फॉर साइंस

अब हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं हेयर इज दी मॉडल मॉडल आपके पास क्या हो गया मॉडल वाई एम सिक्सटी प्लस फोर जीरो टू एक्स वन एक्स वन हमने किसको कहा एक्स वन हमने कह दिया स्टडी आर्ट्स को और एक्स टू हमने कह दिया एक्स्ट्रा केलोकर एक्टिविटी ठीक है दिस इज मॉडल फॉर मैथ्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज मॉडल फॉर द साइंस एंड हेयर इज दी आर्ट्स के वॉल्यू अब हम क्या कर रहे हैं हम इस पर प्रोडिक्शन कर रहे हैं प्रोडिक्शन में हमने क्या किया इफ अब स्टूडेंट्स हमारे पास हैं दिस इज दी स्टडी आर्ट्स एंड हेयर इज दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज ठीक है एक्स वन स्टडी आर्ट दिस इज दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज इफ दिस इज वेन और यू कैन से सेफ एक्स वन अगर वो टू स्टडी आर्ट्स करें टू आवर्स स्टडी करे सिर्फ और फाइव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे फाइव कोलर एक्टिविटीज हो तो उसके मैथ्स के मार्क्स कितने आएंगे उसके मैथ्स के मार्क्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव फाइव सेवन अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट वो मैथ्स के मार्क्स लेगा सेम दिस इज अगर वो टू आवर्स स्टडी करे और फाइव एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे तो उसके साइंस के मार्क्स कितने आएंगे उसके साइंस के मार्क्स आएंगे अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी एट परसेंट दिस इज द प्रिडिक्शन दिस इज द रिग्रेशन मॉडल हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं बेसिकली रिग्रेशन मॉडल में और हमारे पास रिग्रेशन मॉडल भी जनरेट हो गया और वहां से हमने प्रडिक्ट कर लिया है कि अगर वो इतने आर्ट स्टडी करेगा और इतनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा देन वी विल गेट द मार्क्स ऑफ मैथ इन सेवेंटी फोर परसेंट एंड दार्क्स ऑफ साइंस सेवेंटी एट परसेंट वो गेन करेगा यानी आएंगे और ये कैसे हुआ ये हमने जोनरेट किया एक्स वन को हमने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वन फाइव और यहाँ पे हमने टू लिए पास एस्टिमेटेड वैल्यू मार्क्स की आ गई है दिस इज दल्टीवेट एनालिसिस यूजिंग एस पी एस एस अब सेम यही काम हम कर रहे हैं आर में आर के लिए अब हम जा रहे हैं सेम हमने मॉडल फिट करना है आर में मल्टीवेरिएट मॉडल दिस इज विंडो ऑफ आर स्टूडियो ठीक है डेटा आपके पास कहाँ है डेटा हमारे पास है एस पी एस एस में इम्पोर्ट कर लेते हैं डेटा हेयर इज द इम्पोर्ट फ्रॉम एस पी एस एस ब्राउज डेस्कटॉप पे मेरे पास एस पी एस एस का डेटा है डेटा आ गया आपके पास स्टूडेंट का स्टडी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज मैथ एंड साइंस इसको हमने इंपोर्ट कर लिया लुक एट दिस दिस इज द डेटा अब डेटा हमारे पास आ गया है जी इधर है लेक्चर अंडरस्कोर वन और टू नेक्स्ट हमारे पास हम फाइल यहां पे हमारे पास है जी डेटा कहाँ से हमने लिया डेटा इक्वल्स टू लेक्चर वन ओ टू यहां पे हमारे पास डेटा है इसमें से इस डेटा को हमने यहाँ पे लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है अब डेटा में आपके पास कौन से वेरिएबल हैं डेटा में आपके पास मैथ साइंस एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज और स्टडी आर यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल वाई वन एक बार बार लिखने से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया लेक्चर अंडर स्कोर दिस यहां से डॉलर साइन तो डॉलर साइंस में मेरे पास कौन सा आ गया यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाई वन रख लिया है मैथ क्योंकि दिस इज दी डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए मैंने कहा वाई वन मैथ सो वाई टू इक्वल्स टू लेक्चर यहां पे आपके पास सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है साइंस एंटर एक्स वन दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन इक्वल्स टू लेक्चर अंडरस्कोर दिस डॉलर साइन कौन सा हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया डेटा हमारे पास आ गया इंपोर्ट कर लिया हमने डेटा में वाई वन वाई टू हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ स्टडी आर्ट्स एंड इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटीज देन हमने यहाँ यूज क्या करना है मल्टीवेरियर मल्टीपल रिग्रेशन सो एम एम आर Let it multivariate multiple regression equals to LM linear model parenthesis C bind again parenthesis dependent variable key plus y1 comma y2. These are the dependent variable tends to independent variable x1 plus x2. मॉडल हमारे पास आ गया है दिस इज दी डिपेंडेंट एंड हेयर इज दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाउ रन दिस यस मॉडल हमारे पास रन हो गया है मॉडल रन होने के बाद हम इसमें से फर्दर कह देते कि मुझे समरी दे दे समरी किसकी निकाल दे समरी एम एम आर आर की मुझे समरी फाइंड कर दे यहाँ से आप देखो एम एम आर ये भी हमारे पास रन हो जाएगा लुक एट दिस दिस इज द मॉडल ये आपके पास सी वन सी बाइंड वाई वन वाई टू के अंदर हमारे पास वाई वन वाई टू दीज आर दिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू दीज आर दिनिपेंडेंट वेरिएबल सेम वही हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं जो एस पी एस एस में आ रहे थे आर में भी आर का मेथड मैंने आपको बता दिया आर में हम कैसे मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन रन करेंगे इंटरसेप्ट आपको याद होगा वहाँ पे हमारे पास 63.503 था और साइंस का इंटरसेप्ट हमारे पास 63.650 सेम वही है x1 मैथ्स 4.032 y1 के लिए x1 हमारे पास मैथ्स है फॉर y2 के लिए 2.105 x2 की वैल्यू 0.598 और y2 से हम x2 हमारे पास y2 वेरिएबल के लिए 2.037 सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमारे पास एस पी एस एस रिजल्ट दे रहा था और वही सेम हमारे पास आर में भी रिजल्ट आ रहे हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है आप इसको एस पी एस एस से कर लो आर से कर लो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है अब अगर हम इसे इंडिविजुअली चेक कर लें मैं ये रन कर रही हूँ समरी को बिकॉज मैंने समरी लिखा है अभी मेरे ख्याल में मैंने समरी रन नहीं की समरी को हम रन करके रन अब देखें आप समरी रन हो गई समरी ने क्या किया पहले यहाँ पे हमने कर लिया रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई वन वाई वन के अकॉर्डिंग उसने हमें ये सारा डिटर्मिन करके दिया देन समरी ने हमें वाई टू वाई टू रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई टू तो समरी में हमें वाई टू के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं सिक्सटी थ्री टू टू सेम वही रिजल्ट हैं और y2 का रिस्पॉन्स और अगर मैं y1 का रिस्पॉन्स देखूं तो 63 हमारे पास इंटरसेप्ट है फोर पॉइंट जीरो और एक्स टू की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेम यही रिजल्ट आ रहे हैं एंड द आर स्क्य वैल्यू आर स्क्र इज दी नाइन फोर टू सिक्स सेम यही रिजल्ट हमारे पास एस पी एस एस में भी आर स्क्र की आ रही थी और यहाँ पे आपके पास साइंस के लिए आर स्क्र की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट एट सिक्स सेवन वन अगर हम इसकी टेस्टिंग की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या गया मॉडल इज बेस्ट फिट है क्योंकि आर स्क्योर की वैल्यू हमारे पास हाई वैल्यू आ रही है इट मीन्स कि हमारे पास मॉडल जो है वो बेस्ट फिट है ठीक है दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ द मल्टी मल्टीपल रिग्रेशन फॉर आर एंड द एस पी एस एस दोनों में से हमने मॉडल बिल्ड किया है और मॉडल बिल्ड हमें बता रहा है कि आप आर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं और एस पी एस एस से भी फाइंड कर सकते हैं किस को मल्टी मल्टीपल रिग्रेशन कब यूज करना है मल्टी मल्टीपल रिग्रेशन वेन वी हैव

उनके बस मेथड डिफरेंट है वो हमने मेथड यहाँ पे दोनों स्टडी कर लिए हैं और मेथड स्टडी करने के बाद हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया है कि कब हम यूज करते हैं मल्टीवेरियड मल्टीपल रिग्रेशन वैन वी हैव टू डिपेंडेंट एंड मोर देन टू डिपेंडेंट एंड मोर देन टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम मल्टीवेरियड मल्टीपल रिग्रेशन ईजीली रन कर सकते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीवेरियड मल्टीपल रिग्रेशन यूजिंग एस पी एस एस एंड Ah